हॉस्पिटल में काम करने के बाद अब मैं खुद का क्लिनिक चला रही हूँ पंजाब में ही, और अब मैं यहाँ हूँ आपको हेल्थ के बारे में बताने के लिए। हम डिस्कस करेंगे हेल्थ ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल और बाकी तेलों के बारे में भी। सिर्फ ये जानना कि राइस ब्रैन तेल अच्छा है ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इतनी ही नॉलेज हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि राइस ब्रैन अच्छा क्यों है बाकी तेलों के मुकाबले, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग ऐसा कह सकते हो कि आप हेल्दी हो? कोई ऐसा है? सोच के हाथ खड़े कर रहे हैं, कोई भी नहीं है? एक, दो, अब धीरे धीरे सब हाथ खड़ा करेंगे। तो ऐसा बेसिकली हम लोग नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज शूज हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती रहती है, राइट? हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर मेडिसिन लेने केमिस्ट के पास जा रहे हैं, खुद ही डॉक्टर बन के दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आम हो चुकी हैं। सबके घर में कोई ना कोई मेडिसिन पड़ी ही होती है, क्योंकि हमें लगता है कि कल को क्या पता अगर सिर दर्द हो जाए तो खानी पड़ेगी। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे घर में हेल्दी खाना पीना नहीं है। सबके शेल्फ्स में, सबके घर में, किचन में नमकीन बिस्किट तो होंगे, सबके हैं। कोई ऐसा है जिसके घर में नहीं है? सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही खाते हो? कोई भी नहीं है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके घर में स्नैक्स ना हो जो कि हमारे लिए अनहेल्दी हैं। हम लोग दवाइयाँ रख सकते हैं, लेकिन बिस्किट, नमकीन, समोसे, ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपने टेस्ट को भी तो देखना है, हमें टेस्टी चीज़ें खानी है, राइट? यही प्रॉब्लम है। अब मुझ में और आप में फ़र्क क्या है? मैं भी अनहेल्दी चीज़ें खाती हूँ, मुझे भी अनहेल्दी खाना अच्छा लगता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं एंटीऑक्सीडेंट्स लेके, मतलब अच्छी चीज़ें लेके उसको बैलेंस कर देती हूँ। मतलब अगर मैंने कुछ अनहेल्दी खाया, मुझे पता है मुझे उसको बैलेंस कैसे करना है, मैं वो खा के अपने आप को ठीक रख सकती हूँ। बट आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसीलिए शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ोगे, यही फ़र्क होता है। तो आज हम बात करेंगे तेलों के बारे में, बट उससे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ अच्छी कैसे हो सकती है? दो चीज़ों से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। पहला है हमारी डाइट, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ अच्छी डाइट ले रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसका क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमें उससे? हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पानी भी लग जाता है, मुझे हवा भी लग जाता है, सुना है? Yes. क्यों कहते हैं लोग ऐसा? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। मतलब अगर वो अच्छा भी खा रहे हैं, अगर वो दिन में दो बार भी खाएंगे, सिर्फ सब्जियां खा रहे हैं, तो भी वो मोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है? क्योंकि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। हम लोग जैसे मैं हूँ, अगर मैं कितना भी खा लूँ मैं मोटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरे जैसे लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं।